अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आतिश्याम और आप देख रहे हैं टेस्ट मास्टर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये एमसीक्यूज एफपीएससी एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर बैच वन के हैं और ये एमसीक्यूज 9 जनवरी 2019 को हुए थे। ये मेरे पास एक पेपर था, लेकिन जब मैंने इसकी फ़ोटो इसकी खींची तो वो कुछ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको रिटर्न की सूरत में पेश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज है UNHCR HQ is in द आंसर इज़ जेनोवा स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर दो है इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। द आंसर इज़ 21 सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन है रोहिंग्या मुस्लिम्स आर किल्ड इन विच कंट्री। रोहिंग्या मुस्लिम्स आर किल्ड इन विच कंट्री। द आंसर इज़ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मुस्लिम माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान। द आंसर इज़ 1920। क्वेश्चन नंबर पाँच है मुस्लिम मीट एट शिमला विद लॉर्ड मिंटन ऑन। द आंसर इज़ 1 अक्टूबर 1906। क्वेश्चन नंबर सिक्स है लॉर्ड मिंटन वाज द विक्टोरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेवन है पार्टीशन ऑफ बंगाल ओकर्ड इन। द आंसर इज़ 16 अक्टूबर 1905। क्वेश्चन नंबर एट है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन। द आंसर इज़ 11 हिजरी। क्वेश्चन नंबर नाइन है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्ड हज इन। द आंसर इज़ 632 AD। क्वेश्चन नंबर टेन है नेम ऑफ द सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह। वो कौन सी सूरत है जो बग़ैर बिस्मिल्लाह की शुरू होती है। तो वो सूरह तौबा है। द आंसर इज़ सूरह तौबा। क्वेश्चन नंबर एलेवन है ज़कात पर्पज़ टू प्योरीफाई द वेल्थ। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है किबला डायरेक्शन चेंज इन। द आंसर इज़ 2 हिजरी। किबला डायरेक्शन चेंज इन द आंसर इज़ 2 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 13 है बैटल ऑफ तबूक 9 हिजरी। बैटल ऑफ तबूक द आंसर इज़ 9 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 14 है सैफुल्ला इज़ द टाइटल ऑफ। द आंसर इज़ खालिद बिन वलीद। क्वेश्चन नंबर 15 है कन्क्विस्ट ऑफ मक्का वाज़ टुक प्लेस ऑन। द आंसर इज़ 20 रमज़ान। आगे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है लॉन्ग साइट कुरेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस। द आंसर इज़ कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 है माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंगी। द आंसर इज़ फंगी। क्वेश्चन नंबर 23 है डेफिशिएंसी ऑफ वाइटमिन ए कास्ड। तो वाइटमिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 24 है डेफिशिएंसी ऑफ वाइटमिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। द आंसर इज स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 25 है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। द आंसर इज़ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 26 है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। द आंसर इज़ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 27 है ह्यूमन बॉडी हैव डैश ब्लड। द आंसर इज़ 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है ह्यूमन ब्रीथ हाउ मच एयर इन अ डे। द आंसर इज़ 15,000 to 20,000। 15,000 से 20,000। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है रॉ स्टैंड फॉर। द आंसर इज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्वेश्चन नंबर 30 है विच कंट्री डज नॉट आर्मी। द आंसर इज़ आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 31 है ऑपरेशन ज़रबे अज़ाब वर स्टार्टेड ऑन। द आंसर इज़ 15 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 32 है
Gymnophobia is the fear of. Gymnophobia is the fear of. The answer is nudity. Question number 33 है. How many countries are the member of NATO? NATO के कितने member हैं? The answer is 13. 13 countries are the member of NATO. Question number 34 है. The theme of the World Wetland Day 2019 is. The theme of the World Wetland Day 2019 is. The answer is wetland and climate change. Question number 35 है. The G20 summit 2018 is hosted by. The answer is Buenos Aires, Argentina. Question number again math के question है. Question number 36 है. Add 46 plus 37 plus 29 plus 5 plus 14 plus 33. तो इन सब को अगर प्लस करें तो इसका आंसर 163 आता है. Next question 37 है. If we add 33 plus 8 plus 27 plus 13 plus 48 plus 10 तो इसका आंसर 139 आता है. क्वेश्चन नंबर 38 है. 425 इज़ हाउ मच अबव 425 400 से कितना ज़्यादा है तो वो है 25. आंसर है 25. क्वेश्चन नंबर 39 है. 367 इज हाउ मच अबव 400 तो 367 कितना ज़्यादा है कितना कम है 400 से तो ये है 33. हाउ मच हाउ मैनी नंबर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13. हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13. द आंसर इज 60. क्वेश्चन नंबर 41 है. द फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज ऑफ 17. 17 के पहले 5 मल्टीप्लाइज बताएं जैसे 17 वन्स आर 17 17 टूज आर 34. इसी तरह 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें 51 आता है, 4 से करें 68 आता है और 5 से करें 85 आता है. तो ये आंसर है. नेक्स्ट 42 है क्वेश्चन. द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14 इज. तो 7 बार 21 आता है. क्वेश्चन नंबर 43 है. द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इज. द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इज. द आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 44 है. द लीस्ट प्राइम नंबर इज. जो सबसे कम प्राइम नंबर है लीस्ट प्राइम नंबर इज वो है 2. क्वेश्चन नंबर 45 है. इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी. इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी तो इसका आंसर है थर्सडे. क्वेश्चन नंबर 46 है. व्हाट इज़ द यूनिट. व्हाट किसका यूनिट है तो ये यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का है. नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है. फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीरीज. तो सीरीज है 1 3 3 5 6 7 7 तो फिर नेक्स्ट 9 9 आएगा क्योंकि 1 के बाद 2 2 मिसिंग है फिर 3 3 और फिर 4 मिसिंग है फिर 5 और 6 फिर 7 7 और इसी तरह 8 8 को हम छोड़ के 9 9 आएगा. क्वेश्चन नंबर 48 है. 60 59 54 50 फाइंड मिसिंग तो इनके दर बाद मिसिंग क्या है तो मिसिंग 40 45 है. इनके दरमियान 60 में से अगर हम एक माइनस कर देंगे तो 59 आएगा. 59 में से हम 3 माइनस कर देंगे 54 आएगा और इसी तरह 1 3 6 1 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है. अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज़ द सेम एज डैश. अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज़ द सेम एज डैश 12.5 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 50 है. इफ 20 टॉस कॉस्ट. इफ 20 ट्वाइस कॉस्ट 500 व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 75 ट्वाइस. द आंसर इज 1500. क्वेश्चन नंबर 51 है. व्हेन डिवाइडेड 0.7 by 10 you will get. The answer is 0.07. question number 52 hai. 8 is 17% of. 8 is the 75% of. The answer is 24.
क्वेश्चन नंबर 53 है, इन अ क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट 42% विश टू गेट टू गो टू कॉलेज, हाउ मैनी विश टू अटेंडेंट कॉलेज, द आंसर इज 231, 231। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, विच शेप हैज़ फोर इक्वल साइड्स एंड राइट एंगल्स, वो कौन सी शेप है जिसके चार उजला और ज़िले बराबर होते हैं, तो वो है स्क्वायर, मुरब्बा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 5005 माइनस 5000 स्लैश 10.00, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 4505, 4505, 4505। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ आई ए एक्ट एम सी क्यूज़ के हैं, तो 56 क्वेश्चन है, एफ आई ए हेडेड बाय द आंसर इज डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 57 है, एफ आई ए एक्ट डिस्क्राइब, तो ये डिस्क्राइब करते हैं पावर स्लैश जुरिडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है, एफ आई ए इज़ सुपरवाइज्ड बाय डैश गवर्नमेंट, द आंसर इज़ फेडरल। क्वेश्चन नंबर 59 है, एफ आई ए एक्ट मैनी स्पेसिफाई, द आंसर इज़ सर्विस टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, डैश एंड डैश विल रिप्रेजेंट एफआईए इन अ स्पेशल कोर्ट, एड लॉ एंड लीगल विल रिप्रेजेंट एफआईए इन स्पेशल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, एन एफआईए एसआई होल्डर द सेम अथॉरिटी एज ऑफ, एन एफआईए एसआई होल्डर द सेम अथॉरिटी एज ऑफ, तो इसकी क्या अथॉरिटी होती है, जैसे एसएचओ की होती है, द आंसर इज एसएचओ। क्वेश्चन नंबर 62 है, डी जी एफ आई ए कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू, द आंसर इज एनी मेंबर स्पेसिफाइड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 63 है, एनी अमेंडमेंट टू द एफआईए एक्ट कैन ओनली बी डन बाय अमेंडमेंट टू द एफआईए एक्ट कैन ओनली बी डन बाय द आंसर इज फेडरल गवर्नमेंट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा हो जाए। और वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को बआसानी देख सकें।